Ashif Tech present. Please like and subscribe. इतनी खास नहीं तब तू मेरे पास नहीं चाह तू मेरे साथ नहीं तब तू इतनी खास नहीं तब मेरे लिए मर चुकी है तू तेरी यादों को मैंने जला दी तेरे प्यार को मैंने फूंक दिया और हस्तियां मैंने बहा दी। हे गाइस, सो यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आपको भी इस टाइप की वीडियोस बनानी है इस वीडियो को लास्ट देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस टाइप की वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आपको अलाइट मोशन ऐप डाउनलोड करना है तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो एडिट करने के लिए आपको हमारे मतलब बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन इंपोर्ट कर लेना, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। अब आपको स्लाइड करके पहले नीचे आ जाना है, फिर नीचे में ग्रुप दिखाई देगा, इस ग्रुप को स्किप करके जहाँ पे लेयर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आ जाना है। तो 12 सेकंड पे आ जाना है, देन लेयर पे क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फोन पे क्लिक करना है, ऊपर फोल्डर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना पहला फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो इस बार से ऐड हो जाएगा। देन नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फोन पे क्लिक करना है, सेम फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। फोटो एड करने बाद ये जो स्ट्रेच क्या रहेगा उसको आप फिल कर देना। ओके, क्योंकि हमने फोटो क्रॉप नहीं किया है तो ये स्ट्रेच को फिल जरूर से कर देना। अगर वो पहले से फिल है तो फिर कोई बात नहीं, अगर स्ट्रेच क्या हुआ इस प्रकार से तो फिल कर देना। ओके, जस्ट आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। तो जितने भी लेयर्स में फोटो वन लिखा हुआ है उन सभी लेयर्स में आपको अपना पहला फोटो को ऐड करना है। जस्ट आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है और यहाँ पे दो लेयर बच गया है, तो इसमें मैं फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो प्रोसेस सेम रहेगा, लेयर पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से जब दिखाई देगा ना, एक साथ तीन लेयर, एक ग्रुप है, एक लेयर है, फिर एक लेयर है। तो सबसे ऊपर वाले लेयर में अपना फ़ोटो को ऐड करना, बाकी नीचे का दोनों को छोड़ देना इस प्रकार से। देन अब डबल इट मार्क आ गया है और यहाँ पे फोटो टू लिखा आ गया है, तो हम क्या करेंगे फोटो यहाँ पे चेंज कर देंगे और अपना दूसरा फोटो को ऐड कर लेंगे। ओके, जस्ट आप लोग देख सकते हो। फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फोन पे क्लिक करेंगे, सेम सेकेंड फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देंगे। अब जितना भी लेयर्स में फोटो टू लिखा हुआ है सब लेयर्स में हम फोटो टू ऐड कर लेंगे। और फिर इसी प्रकार से आ जाए तो हम क्या करेंगे सबसे ऊपर वाले लेयर में फोटो को ऐड कर लेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे नीचे वाले को। एंड अब फिर से डबल इट मार्क आ गया है, अब यहाँ पर फोटो को चेंज करके अपना यहाँ पे तीसरा फोटो को ऐड कर लेंगे। जस्ट आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ से लेकर आगे टॉलेट मार्क तीसरा फोटो को ऐड करना है, यहाँ तक ऐड करना है 21 सेकंड तक। ओके, तो लेयर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे बीच में छोटा छोटा लेयर है, तो इन सभी लेयर्स में आपको ऐड करना है तीसरा फोटो को। फिर टॉलेट मार्क आएगा, तो टॉलेट मार्क के बाद सबसे पहले एक ग्रुप है, इस ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है, फिर ग्रुप आएगा, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है। इसके अंदर दो लेयर रहेगा, दोनों में आपको अपना चौथा फोटो को ऐड कर लेना है इस प्रकार से। जस्ट आप लोग देख सकते हो, और फोटो एडिट करने के बाद फिल जरूर से कर देना। तो जस्ट आप लोग देख सकते हो इस बार से यहाँ पे आपको दोनों में चौथा फोटो को ऐड कर लेना है, जो भी आपका चौथा फोटो है यहाँ से बैक आ जाना है। तो ये कुछ इस बार से दिखाई देगा, फिर वही ग्रुप के पास चले आना है आपको। ओके, और इस ग्रुप के बाद जो इधर लेयर्स है इन सभी लेयर्स में आपको सेम वही फोटो मतलब चौथा फोटो को ऐड करना है जो आपने ग्रुप में ऐड किया है। तो जस्ट आप लोग देख सकते हो लेयर पर क्लिक करना है, देन कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया नोट फोन पर क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है, फिल कर देना है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेना। तो जस्ट आप लोग देख सकते हो मैंने सही फोटो ऐड कर लिया, बस तीसरा फोटो में मतलब पूरा ऐड नहीं कर पाया, बाकी इधर मैंने फोटो ऐड कर लिया है। इस प्रकार से पूरा फोटो ऐड हो जाने के बाद ऊपर शेयर का आइकन पर क्लिक करना है। ओके, तो शेयर का आइकन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज, बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।